वो सबको पता है ब्लॉगिंग के बहाने मेकअप करने मिलते हैं, मैंने पहले ब्लॉग में बताया हुआ है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं नूपुर और ये मेरा ब्लॉग चैनल। आज है थर्सडे मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग गाइस। और सुबह हमने खाया था नूडल्स। आशित अभी सो रहा है, निमी के दोनों क्लासेस हो चुके हैं। ये यहाँ पे टकला यहाँ पे और एक ऑफिस कर रहा है। और हमने अभी तक चाय नहीं पी। ऐसा नहीं बोला था चाय स्किप कर देगा आज, बट अभी उसकी फरमाइश है वो चाय पिएगा। पियोगे? आश्रित, मैंने उसको आश्रित को पूछा जी आश्रित नेड़ू का है, नेड़ू मतलब टकड़ा, तो नेड़ू का है। तो आश्रित ने अपने सर में हाथ दे के बोला नेड़ू। देन ही रियलाइज, अरे उसके सर में तो छोटे छोटे बाल है। ऐसे हाँ हाँ छोटे छोटे बाल हाँ। तो इट वॉज मनी है ना। तो चलो मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अच्छा मैं चाय बैठा दी है, बस छापना बाकी है। ओ मैंने ऊपर लगा दिया है। यहाँ तो चाय गिर रही है थोड़ी सी। चलो मैं जल्दी से छापती हूँ चाय। भी पता नहीं कैसे गिर गई है इधर। दो मैं इसको साइड। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सब गैस का कसूर है। अरे मुझे गैस बुक करना है, सैटरडे शाम को करूंगी। ये एमडी जेपी ओलंपिक का रेस है। अब लो मैं चाय कैसे छानेगा। आश्रित आ जा। गोदी गोदी बच्चा आ गया। आशा खाई कर दो। नेड़ू कहाँ है? नेड़ू नहीं, हेयर निकल गया है ना शना। दो बादाम खा लो शना चाय के साथ, अपना बुद्धि बढ़ाओ। तो गाइस बच्चे अभी नहाने के लिए घुसे, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे कैसे नहा रहे हैं यार। दे आर हैविंग देयर हैप्पीएस्ट टाइम। हाय। तो अब गर्मी का टाइम है, मैं आजकल उन लोग को ऑल्टरनेट डे ऐसे स्विमिंग पूल में ना पानी डाल के बैठा देती हूँ और फिर दे हैव देयर सो मच ऑफ फन एंड मस्ती टुगेदर यार। बट निकालना इज सो डिफिकल्ट फ्रॉम दैट थिंग। पहले अनुश्री को निकालती हूँ, फिर आश्रित को निकालती हूँ एंड एट द एंड आश्रित फिर भी रोता रहता है। क्या कर रहे हो आप? और निमी ने जो स्विमिंग सूट पहना है ना, वो लास्ट ईयर हमने बिगनिंग में लिया था। अगर आपने लास्ट ईयर का डेकाथलन वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। मैं लिंक इधर डाल दूंगी, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट डू चेक इट आउट। और उस टाइम में लिया था, सोचा था लास्ट ईयर उसको स्विमिंग सिखा देंगे। लास्ट ईयर गया, ए ईयर भी चला जाएगा, स्विमिंग शायद बेचारा नहीं सीख पाएगा और उसका ड्रेस भी छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर फिर से ड्रेस खरीदना पड़ेगा, फिर से स्विमिंग सिखाना पड़ेगा। पिलो लेके क्यों आए दोनों? अभी वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट शी इज डूइंग। आई लुक लुक सोना लुक बंदर। ये आश्रित का बेबी ब्लैंकेट है। वो मेरा बेबी ब्लैंकेट है। वो आपका बेबी बेड है, वो आश्रित का बेबी ब्लैंकेट है। बार तुम्हारी टोपी कहाँ गई? तुम्हारी टोपी कहाँ गई? डिनर क्या बनाओगे? पता नहीं, थोड़ा सा फिश करी रखा हुआ है। क्या खाओगे? दाल। दाल पपीता देके दाल? पता नहीं भाई, काइट आया उधर एक, नीचे घूम रहे हो यहीं पे एक।
यहाँ पे चक्कर काट रहे थे सामने ही पे। अरे यहीं पे था, रुक जाओ ना, नहीं मैं उड़ते उड़ते आएगा। ये फोन की कहानी, ये फोन संदीप का पुराना फोन है जिससे बच्चे आजकल खेलते हैं। आज मेरी काम वाली सुबह पोछा मार रही थी, आशीष ये निकाला शेल्फ से, मैं सोचा चलो खेलेगा, ले जाके पोछे के पानी में डाल दिया उसने। तो गाइस मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ, मैंने चावल चढ़ा दिया है गैस पे और साथ में बनेगी दाल। मैंने यहाँ पे कुछ पपीता और कद्दू लिया है दाल बनाने के लिए और साथ में प्याज टमाटर धनिया पत्ता ये सब तड़का के लिए काट के रख लिया है। तो बस दाल बैठाऊंगी। अरहर दाल खाओगे सुना? नहीं, दाल खिलाओगे? हम मछली है और दाल खा लूंगा, क्या हमारे फ्रिज में से भिंडी है और कुछ नहीं है। इसको क्या चाहिए? उसको देखना है मैं मम्मी क्या दिखा रही है। खाओगे सुना? यम्मी यम। अब वो खाएगा सुना, खाने दो वो। ए आश्रित, ए बोल रही हूँ सॉर्टेड। तो चाय स्लिप कर, ये आश्रित है, ये और उसका मामा है और यहाँ पे थौते धो रही है। तो गाइस अभी शाम का टाइम है, करीब 5 बज रहे हैं और हमारा चाय और पापड़ खाना हो चुका है। निम्मी इतना इंसिस्ट कर रही थी पार्क जाने के लिए कि मुझे उसको मजबूरन अकेले छोड़ना पड़ा। आशा निम्मी पहली बार जा रही है अकेले पार्क। तो अभी मैं आश्रित और संदीप निकल रहे हैं, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। अकेले वो क्या कर रही है पार्क में? मास्क, अच्छा यू आर मास्क। चलो अब चल के ढूंढते हैं निम्मी कहाँ है। इज निम्मी ऑन स्विंग? नहीं, निम्मी स्विंग में नहीं है। आई कैन नॉट फाइंड हर। वही तो ये हो रही वहाँ पे स्लाइड के नीचे। हाय अनुश्री, अनुश्री मेरा लिपस्टिक या मास्क ने खराब कर दिया। लिपस्टिक? हम्म, लिपस्टिक क्यों करते? अच्छा लगता है सच में, मूड अच्छा रहता है। कुछ हाँ ये फिश है, फिश, और ये फिश आशु को खाएगा अभी। खपत वो देखो ना उसका फिंगर कैसे। गाइस जैसे कि आपको पता है मैंने शाम को ही डिनर की तैयारी कर ली थी, बट इस टकले के डिमांड में प्रॉन पकौड़ा बन रहा है अभी। तो मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है, संदीप ने थोड़ी हेल्प की है, ये प्रॉन को उसने काट के चॉप करके मुझे दे दिया है। अभी इसमें मसाले डालूंगी और प्रॉन पकौड़े तले जाएंगे अभी। आज तुम तुम्हारा सीक्रेट रेसिपी दिखा दे रहे हो हैं? कोई भी तरह का फिश का पकौड़ा में ना काशुंदी डाल के देखना बैटर में क्या टेस्ट आता है। तो गाइस प्रॉन पकौड़े तल चुके हैं, ये रहे पकौड़े, ये हमारे ग्रीन चिली के साथ, ये आश्रित और निमी के विदाउट चिली। अब ये लास्ट बैच फ्राई हो रहा है। सुबह की सब्जी गर्म कर चुकी हूँ मैं और
संदीप के लिए, आश्रित के लिए, निमी के लिए खाना निकाल दिया है। अभी सब गर्मा गर्म खाना खाने के लिए बैठेंगे और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। कल मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।